वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम क्राफ्ट वर्क। और आज हम आपको पेपर से राखी बनाना सिखाएंगे। जो रक्षाबंधन आ रहा है, कमिंग संडे में कौन सा फेस्टिवल है? रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पर हम क्या करते हैं? अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। तो मैं आज आपको पेपर से राखी बनाना सिखाऊंगी कि हम पेपर से राखी कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको पेपर से राखी बनाने के लिए हमें किसी भी कलर के, कोई भी पेपर आप ले सकते हो, एनी कलर। जैसे मैंने यहाँ पे देखो पर्पल कलर लिया हुआ है। इस तरह हम थ्री सर्कल्स कट कर लेंगे, या आप कितने भी साइज़ के कर सकते हैं, लेकिन सेम साइज़ के नहीं होने। सर्कल आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, फिर सेकंड सर्कल थोड़ा सा छोटा बनाना है, और जो थर्ड है ये इससे छोटा, यानी थ्री साइज़ के हमें ये सर्कल कट करने हैं पेपर से। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब इन तीनों सर्कल्स को हमें, देखो मैं एक सर्कल करके दिखा रही हूँ, बाकी हमें इनको भी इसी तरह से करना है। ये सर्कल है, इसे हम बीच में से इस तरह से देखो फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बीच में से हमने फोल्ड कर दिया, फिर एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया, टू टाइम्स करना है, एक बार हाफ करना है, फिर एक बार और करना है इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कट करेंगे। देखिए इस तरह से, बस थोड़ा सा ही कट करना है यहाँ तक, ये पूरा नहीं करना है, नहीं तो ये अलग हो जाएगा। ऐसे बारीक बारीक आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। इसी तरह से हम इसको एंड तक कट कर देंगे। हमने ये कट कर दिए इस तरह से। अब हम इसको खोल लेते हैं। जी हमने इस तरह से खोल लिया। अब ये जो बीच में जुड़ा हुआ है, जहाँ से फोल्ड हो रहा था, उसे और हम इस तरह से बीच में से कट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको कट किया है, इसी तरह से हम सेम इनको भी कट करेंगे। ओके, जब ये सेकेंड है, इसे भी हम इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले हम बीच में से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से। देखो हमने ये फोल्ड कर दिया, इसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करना है। ऐसे देखो बिल्कुल बीच में से करना है। ये हमने इस तरह से कर दिया। जैसे हमने इसको कट किया था, ऐसे ही इन दोनों को हम कट करेंगे। देखिए कट करते जाएंगे हम इसी तरह से, पूरा कट नहीं करना है, बस तो आधा करना है। इसे भी हम इसी तरह से खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया। अब ये जो जुड़े हुए थे, अब इनको हम कट कर लेते हैं।
इसे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मैंने इसी तरह से ये कट कर लिया। अब इसे खोल लेते हैं, देखो ये इस तरह से हो गया। ये पूरा हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। जो ये जुड़ा हुआ है इसे हम कट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमने कट किया है इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसे हाथ से ही ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। इस तरह से ऐसे ये हैं, थोड़ा थोड़ा इनको ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ये। इस तरह से अब हम इनको पेस्ट करेंगे। आप फेविकॉल ले सकते हैं, फेविस्टिक ले सकते हैं, फेविक्विक ले सकते हैं। अब देखिए इसे हम इसको पेस्ट करेंगे। देखिए इसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा सर्कल पेस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए एक मैंने ये स्क्वायर पीस लिया है, ये आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। हाँ, इसके बीच में इसको पेस्ट कर देते हैं ऐसे। हम इसको डेकोरेट किसी भी चीज़ से कर सकते हैं बच्चों, जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो। अब ये बीड है, इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो आप भी और कुछ इसको और अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे ये मैंने पेस्ट कर दिया है, अब हम लगाएंगे इस पर थ्रेड यानी लेस। ये हमारी लेस है, इसे हम इसके बैक में, ये पीछे है, यहाँ पे पेस्ट लगा था, इसे हम पेस्ट करेंगे। देखिए बच्चों इसके पीछे हम इसको लगाएंगे। और इसे हम यहाँ पर तो बिल्कुल बीच में ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब ये छूटे ना इसलिए हम इसके ऊपर एक पेपर पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए तो ये निकलेगा नहीं। अब देखिए ये क्या है, हमारी एक सुंदर सी राखी बन गई। तो कैसी लगी बच्चों आपको राखी? ये मैंने आपको बहुत इजी राखी बताई है, जैसे कि आप अपने आप भी बना सकते हो। बस आपको कटिंग के लिए हेल्प लेनी होगी, आप अपनी मम्मा की या दीदी की हेल्प ले सकते हैं, बाकी काम आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये हमारी सुंदर सी राखी। तो कैसी लगी राखी? तो आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।